ऐसा है मैडम, इंस्पेक्टर हनुमान सिंह उसमें बात ही कुछ अलग सी है। एक तो क्या है कि महर से लेडीज ना बहुत ही ज्यादा इंप्रेस रहती हैं, और दूसरी बात अगर आप मरने पहले मिल गई होती तो ये जो पूरा पटियाला शहर है ना, अच्छा वो तो जलकर राख हो गया होता जी, कसम खा के कह रहा हूँ बजरंग बली। मतलब आप हमसे पुल ऑन फ्लर्ट कर रहे हो? अब बताऊं पप्पा से? जी तुरंत बता दो अभी जाके। देखिए जी, हनुमान सिंह बल दशरथ सिंह बल जनरल सिंह बहुत ज्यादा होनार साहसी और निडर अफसर हूं जी, मुझसे डरता नहीं हूं, जिससे जो कहना जैसे कहना है कह दीजिए आप। एक बात और है, किसी के झांसे में भी नहीं आता। अरे रीत की मम्मी, सस्सीकाल जी, सस्सीकाल। वो पपीता नजर नहीं आ रही। वो कमरे में अंदर है जी, चेंज कर रही है। अच्छा मैं देख ली। हाँ जी बबीता, मुबारक हो। सुन के ना बहुत अच्छा लगा कि तू शादी कर रही है। अब ना बोलने वालों के मुंह पे ना ताले लग जाएंगे। हाँ हाँ, मैंने भी ना एक बार गलत बोला था, पर बबीता मैं ना गलत थी, मेरा वो मतलब नहीं था। तू तो जानती है मैं तो ना हमेशा से तेरी भलाई चाहती थी, है ना? पता है प्रीत ने जब बताया ना तेरे रिश्ते के बारे में, मैं तो ना फूली नहीं समाई जा रही थी। इतना अच्छा मौका, वो भी सेकंड टाइम, सबको थोड़ी ना मिलता है। हाँ वैसे प्रीत बड़ी प्यारी बच्ची है, वो और मिन्नी मिलके जो सारी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन लगता है तेरी तैयारी ना अभी पूरी नहीं है। मतलब बबीता तू भी कितनी भोली है ना, कम से कम इस बार ना सजने सवरने का ध्यान रखना, पिछली बार की तरह ना जोगन भरी ना फिरना, अच्छे गहने पहनना और मेकअप करना, औरतों को ना अपने पति को लुभाना आना चाहिए। हाँ वरना जैसे बीता अशोक को उड़ा के ले गई थी ना, कहीं तेरी सहेली भी हनुमान सिंह को भगा के ना ले जाए। हाँ मैं तो ना तेरी पुरानी सहेली हूँ, पता तेरे लिए फील रखती हूँ, ऐसा ना हो तू यहाँ पर भोली बनी बैठी रह जाए और वहां पर तेरा सब कुछ लुट जाए। हनुमान सिंह जी हैं, इनके बिना फंक्शन कैसे होगा? उपटन तो इन्हें भी लगेगा क्योंकि दूल्हे राजा जो हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, और हम भी तो देखे उपटन लगने के बाद सर साहब कैसे चमकते हैं। ना, आज हम यहाँ पे किसी को नहीं रुकने देंगे, यहाँ पे सिर्फ जनानियों का काम है। आप अपने सर साहब को ले जाकर ना कहीं और हल्दी उपटन करो, क्यों नहीं भी ले? और क्या, अरे अल्लाह मारे, शर्म नहीं आती यह जनानियों के बीच में नाक कटवाएगा क्या? चल चल थोड़ी रुक रहा हूँ, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। साली ने पकड़ा है, छुड़ा के दिखाओ। अरे साली साहिब देखो, ऐसे तो छुड़ाने को तुम दो मिनट छुड़ा दूंगा, लेकिन है हनुमान सिंह। नहीं नहीं, वो जीजा बन के तेरे तो रंग ढंग बदल गए। देख ये बात गलत है, अब सालियां तो छेड़ेंगी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तक यहाँ ठहरने देंगे। अब बबीता बहन जी को देखने के चक्कर में है तो फिर बात अलग है।
थोड़ा टाइम लग रहा है बबीता को, बस आती होगी, है ना नईम भाई? हाँ देखा, बस आ ही रही है बबीता। आप फंक्शन की तैयारियां शुरू करो ना। अरे बिना दुल्हन का कैसा फंक्शन, हम तो दुल्हन को उपटन लगाने आए थे। अगर फंक्शन नहीं करना था तो हमें कह देते, हम चले जाते। हाँ एक तो सुबह से कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। कम्मो जरा देख तो, ये जनानियां कब से बैठी है, अरे गला सूख गया होगा इनका चुगलियां कर करके। जा जरा कोल्ड ड्रिंक लाके दे और कुछ खाने को भी ले आना, वरना बाहर जाके यहाँ की बुराइयां करेंगी। हाँ नहीं भी, अभी लेके आती हूँ। प्रीत तू जाके जरा ऊपर देखना क्या हो रहा है। नहीं मैं नहीं रहूंगी, वैसे भी मुझे मिनी का मैसेज आया ऊपर नहीं आने के लिए। आई डोंट नो क्या से आप है, सुबह तक तो बेब ठीक थी पर अब पता नहीं क्या हो गया अचानक से। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं लगवाना कुछ उपटन उपटन। नीचे फंक्शन चल रहा है ना, आप लोग जाओ नीचे अटेंड करो फंक्शन, जो करना करो, लेकिन मैं नहीं आ सकती बस। ऐसे क्या बोल रही यार, ठीक है ऐसा भी क्या हो गया, देख नीचे कितना सुंदर सजा के रखा है, सब खाना पीना वगैरह सब कुछ रेडी है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। नीचे कमो आंटी भी रात को पूरा लगी हुई थी खाना वाना प्रिपेयर करने। मैंने देख कितना सुंदर डेकोरेट किया है कि मेरी बेब्स का फंक्शन है यार, परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ। चल तू फटाफट रेडी हो जा, तब तक नीचे नेम भी संभाले ना लेडीज को सारी। चल आ जा। मना किया ना मिनी मैंने, मेरा मन नहीं है। अरे बबीता क्या हो गया, तुझे किसने क्या बोला, अचानक तेरा मूड क्यों ऑफ हो गया? रहने दे पूनम, मुझे ना किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे किसी से भी शिकायत नहीं है, और जिनसे शिकायत है वो अनजान बने बैठे। जी मैंने क्या कर दिया, सर साहब आपको रोका था ना मैंने, आप तो शुरू हो जाते हो फ्लर्ट करते करते, थोड़ा कंट्रोल चाहिए आपको। देखो जी कसम बजरंगबली की सच बता रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था और मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, सच कह रहा हूँ एकदम। आप लाले से पूछ लो, अदरवाइज मेरा सब भी गलत इरादा ना था ना कुछ, और इनफैक्ट मेरे को दिया भी ना पता कि भाई आप इस बात को लेकर परेशान हो डिस्टर्ब हो। आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं? तो आपको जी अच्छा इतना टाइम लग रहा है आपको सोचने के लिए, मतलब कोई जवाब ही नहीं ना आपके पास, मतलब आप मुझे पसंद करते ही नहीं है। वो मैं कह रहा था जी कि आप तो मारे लिए मतलब जानती हूं मैं, औरों की तरह स्मार्ट नहीं हूं मैं, मुझे नहीं पता कि कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कैसे सजा धजा जाता है, कैसे तैयार हुआ जाता है, कैसे खुद को कैरी किया जाता है, नहीं जानती हूं मैं। और मुझे किसी के साथ है ना कोई कंपटीशन भी नहीं करना है, जैसी हूं वैसी हूं बस, समझ रहे हैं आप? ओके जी। यार हनुमान अंकल समझो ना, ओक्की से काम नहीं चलेगा, ओक्की बोल दिया बस यार, बेब्स की तारीफ में कुछ बोलो ना। अरे हनुमान जी आप समझ नहीं रहे वो क्या सुनना चाह रही है, कुछ तो बोलो ना यार, मैटर को संभालो हनुमान अंकल प्लीज। सर सब बोल लो, करो तारीफ, सब क्या कर रहे हो? अरे कुछ ना बोलना, मन कुछ ना कहना। अरे मैंने तो ऐसा प्रेम मोहब्बत की अपनी इतना समझ में आता जिसमें भाई बार 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 आपको सबूत चाहिए अपने प्रेम का, बार बार सामने वाले को झुका दो, ऐसा क्या भाई इतने टाइम तक आप हमारे प्यार को लेकर शोर ना हो पाए, तो आप अपने मन को टटोलो पहले, शायद उसकी ज्यादा जरूरत है। जब आप हमारे प्यार को लेकर शोर हो जाओ उसके बाद फिर बात करेंगे।
हनुमान ना छोरी, आज मैंने किसी बात की कोई दुआई ना देना। किरायदारनी जी, आपने एक बात बता दूं मैं, अरे कोई भेड़ बकरी थोड़ी हूं, इधर से उधर आप हंकाते रहोगे मन्ने, जब मर्जी चाहे कुछ भी बोल दिया, कैसे भी कर दिया। देखो, इट्स ऑल अप टू यू, आप पर है, आपको कैसे के करना है के नहीं करना है। आपने उपटन लगवाना है तो लगवाओ, नहीं लगवाना कोई बात नहीं। छोरी ने इतनी सारी मेहनत की है, पूरी सजावट की है, खाने पीने का दुनिया भर का तामझाम किया है, आपको उस पर पानी फेर देना, फेर दो, ना करवाना कुछ रहने दो, आपको शादी भी कैंसिल करवानी है तो करवा दो। ये रिलेशनशिप रखनी है तो रखो, नहीं तो जैसा आपने ठीक लगे वैसा कर लेना जी। हनुमान के लिए एक सेकंड प्लीज, प्लीज ऐसे मत करो ना। सॉरी, देख मैं भी इंसान हूं, मारा भी जी जलता है, हनुमान हनुमान सुन तो, अरे लाला, अरे तू तो पता क्या हुआ है, इतनी देर क्यों लग रही है? और नहीं भी, आप ऊपर खुद ही जाके देख लो। अरे लेकिन थैंक यू बेब्स, थैंक यू सो मच। दे, फेंक दे, डू इट ना, थ्रो इट अवे। इतना आसान है ना, सब कुछ तोड़ देना। एक सुने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे इस डिसीजन से मैं भी बंदी हुई हूं। हनुमान अंकल भी, नई बीवी, इतने सारे लोग हैं जो खुश है तेरी खुशी में, मेहनत करे सब लोग, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ यार कि मेरी माँ, मेरी बेब, उसके थोड़े सपने पूरे हो जाए जो बेबी पहले अधूरे रह गए हो। लेकिन नहीं, तुझे कुछ मंजूर ही नहीं है, क्योंकि इतना गुस्सा भरा हुआ तुझमें, इतनी ईगो है तुझमें। इसे मत देख मुझे, मैं जानती हूँ तेरी इस ईगो को अच्छे से, ये वही ईगो है बेब जब तूने मुझे फोर्स किया था जेवर वापस करने के लिए, विजय के पैर पड़ के उनके आगे झुक के, ये वही ईगो है जब तूने आलमनी रिजेक्ट कर दी थी बिना कुछ सोचे कि हम आगे क्या करेंगे। और तुझे अच्छे से पता था हमारे पास कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या पीएंगे, नथिंग। ये वही ईगो है बेब्स जब तूने मुझे बापा जी के सामने थप्पड़ मारा था ये बोल के कि तुझे उनसे सुनना पड़ा, ये जानते भी मेरी कोई गलती नहीं थी। अब ये ईगो इतना बड़ा हो गया है कि तेरा प्रोजेक्ट ही नहीं, तेरी लाइफ बर्बाद कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है तेरी लाइफ, लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फिक्र नहीं तुझे, हो रही है होने दो, डिस्ट्रॉय हो रही है होने दो, बर्बाद हो रही है होने दो, क्योंकि तेरा ईगो इतना बड़ा है। तो हनुमान अंकल क्या, तू क्या, यहां तक कि तेरी अपनी मिन्नी क्या, जिसे तू इतना चाहती, कुछ नहीं, सब छोटे हैं तेरी ईगो के आगे, तेरी ईगो सबसे बड़ी है ना बेब्स? क्या बात है हनुमान सर, लाला सर, लेडीज फंक्शन से आपको भी निकाल दिया ना, सो सैड। पता नहीं क्या चल रहा होगा अंदर, नहीं इंटरेस्टिंग सा। वैसे तैयारियां कैसे लगी आपको, फर्स्ट क्लास ना, निक्की और मिनी ने किया है। मिनी बहुत एक्साइटेड है शादी को लेकर, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है, इसके लिए तो कुछ भी,
वैसे नुमान सर, कंग्रेचुलेशन सर, आई विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ अहेड। इसमें गले मिलना तो बनता है ना। सर साहब जाने दो जी, बच्चे वो, उसको क्या पता बेचारे को। नहीं जरूरी थोड़ी है, नहीं मिलना नहीं मिलते सब। कंट्रोल जी, आप तो नाराज नाराज हो गए सर। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है, नहीं मिलना है नहीं मिलेंगे। तू मुझे ऐसा कह रही है मिनी? तो मुझे ब्लेम करिए अपनी माँ को, जिसने पिछले 17 सालों तक सब कुछ सहा तो सिर्फ तेरी वजह से, ताकि तू अपने पापा जी के साए में रह सके, ताकि तू अपने परिवार के साथ रह सके। तो हमेशा मुझसे पूछती थी ना मिनी, ये क्या वजह है कि इतने सालों तक मैं तेरे पापा जी के साथ रही, क्यों मैंने पहले नहीं छोड़ दिया उन्हें, इतने दिन महीने सालों तक क्यों क्यों सहा। जानती है क्यों मिनी? क्योंकि मुझे तेरी फिक्र थी। मैं नहीं चाहती थी कि तू किसी तकलीफ में रहे। बेटी का बहाना मत बना अल्लाह मरी। अरे कम से कम खुद से तो झूठ मत बोल। ये मीनी नहीं, तेरा खुद का डर था कि अगर तूने कोई ऐसा कदम उठा लिया तो उसका अंजाम क्या होगा। अरे मीनी तो छोटी बच्ची थी, उसकी माँ उसे हाथ पकड़ के कहीं पे भी ले जाती तो वो चली जाती। लेकिन एक बात बता बबीता, अगर मीनी तेरा हाथ पकड़ के तुझे उस घर से बाहर ना लाती तो क्या तू कभी हिम्मत जुटा पाती? पूछ, अरे पूछ अपने मन से। ये डर सिर्फ तुझे नहीं है, हर औरत के अंदर यही डर छुपा होता है। कभी हालात की मजबूरी के नाम पे, कभी माँ के फर्ज के नकाब के तले, कभी जमाने के चलन की वजह से, हर औरत अपने अंदर का डर ही छुपाती है, ढकती है। और इसी डर से तो तुझे निजात पानी अल्लाह मारी। मुझे किसी चीज का डर बन नहीं है नेहमी, मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रही हैं। ये डर नहीं तो और क्या है भागो जली? ये हनुमान ने जीजा साली के रिश्ते से जरा सा पूनम के साथ मजाक क्या कर लिया, तो बौखला गई। अच्छा एक बात बता, क्या पहले कभी किसी शादी ब्याह में ऐसा हंसी मजाक नहीं देखा तूने? तो फिर किस बात का खौफ है तुझे अल्लाह मारी? क्या चुरा के ले जाएगा कोई, क्या छीन ले जाएगा तुझसे? और एक बात समझ ले, नीता ने अशोक को तुझसे नहीं छीना। अरे ये तो तू भी जानती है कि तेरे और अशोक के रिश्ते में पहले से दरार थी, इसमें इसमें तेरी क्या गलती है? इसके लिए खुद को दोष देना बंद कर बबीता। अरे जो कुछ हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तू फेल नहीं है। परी नेक बख्त, अगर अशोक ने अपना मन बना ही लिया था तो तू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। ते वो दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया, इसमें तेरी क्या गलती है? तेरी कोई कमजोरी नहीं है, ये उसकी कमजोरी उसकी कमजोरी है। लेकिन हां, हनुमान का मुकाबला अशोक से करके तू नाइंसाफी कर रही है।
ना सिर्फ हनुमान के साथ बल्कि खुद के साथ भी और मिनी के साथ भी। टाइम तक आप हमारे प्यार को लेकर शोर ना हो पाए तो आप अपने मन को टटोलो पहले। आपने उपटन लगवाना है तो लगवाओ, नहीं लगवाना कोई बात नहीं। आप तो शादी भी कैंसिल करवानी है तो करवा दो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.